अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए दुनिया भर में मशहूर ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने एक नया इतिहास रचा है। अपनी बेहतर शिक्षा व्यवस्था और तमाम बेहतर मानकों के आधार पर ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग के तहत ब्रिक्स 2018 रैंकिंग में शामिल किया गया है। ये रैंकिंग वर्ल्ड की तमाम यूनिवर्सिटीज को कई मानकों पर परखने और इन मानकों पर खरा उतरने के बाद ही दी जाती है। उच्च शिक्षा के सभी स्टैंडर्ड पर खरा उतरने वाली ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी यानी जेजीयू का डंका विदेशों में भी बज रहा है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देश यानी ब्रिक्स देशों को आधार मानकर की गई रैंकिंग में जेजीयू को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की श्रेणी में टॉप 10 में शामिल किया गया है। जेजीयू ये उपलब्धि हासिल करने वाली हरियाणा की ऐसी पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है। इंडिया हैबिटेट सेंटर में ब्रिक्स के प्रतिनिधि और प्रांतीय निदेशक अश्विन फर्नांडीज और यूजीसी के निदेशक प्रोफेसर वीएस चौहान ने इस सम्मान से नवाजा। जो शिक्षक लोग होते हैं, जो एडुकेटर्स होते हैं, उन लोग के ओपिनियन देखे पूरे ग्लोब में हम लोग सर्वे करके उन लोग से पूछते हैं कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। एम्प्लॉयर रेपुटेशन भी उसमें है, जो हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट और एम्प्लॉयर से पूछते हैं कि उन लोग का ओपिनियन क्या है, कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज। रिसर्च भी देखा जाता है स्कोपस में, स्टाफ विथ पीएचडी है और फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो जो है उसको भी देखा जाता है। तो इसको सब डेटा को मिला के कैलकुलेट करके ब्रिक्स में अबाउट 9000 यूनिवर्सिटीज होती है, तो हमने सिर्फ 350 को रैंक किया है। तो उसमें टॉप 10 प्राइवेट में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी को रैंक किया है। एकेडमिक वर्ल्ड चाहे प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट का हो, जहां भी हो एकेडेमिक्स को ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एकेडेमिया की है इसको ले जाने में। अगर हम सब लोग अपना काम चाहे प्राइवेट में हो चाहे पब्लिक में अच्छी तरह से करें तो फ्यूचर अच्छा ही है। रैंकिंग आने से यह है कि थोड़ी सी रियलाइजेशन बढ़ जा सकती है कि हम लोग कितना अच्छा कर सकते हैं। जेजीयू ने महज 8 सालों के सफर में ये मुकाम हासिल किया है, जिससे यूनिवर्सिटी से जुड़ा हर शख्स गौरव महसूस कर रहा है। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इस उपलब्धि के पीछे कुलाधिपति नवीन जिंदल के विजन और प्रेरणा को खास वजह बता रहा है। रिकग्निशन का कारण 3 जो स्टेक होल्डर्स है। पहली बात तो मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं हमारे जो फाउंडिंग चांसलर जो सर नवीन जिंदल है, खुद एक इंस्पायरिंग फिगर है। और सबसे बड़ी बात है उन्होंने एक यूनिवर्सिटी को उसके जो एकेडमिक फ्रीडम और ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस को ध्यान में रखे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को उन्होंने एस्टैब्लिश किया और साथ में डेवलप किया। सेकेंडली मैं हमारे जो फैकल्टी और स्टाफ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने बहुत मेहनत किया 8 साल में इस लेवल का इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलने के लिए, उनका जो सबसे बड़ा रोल यही रहा। और तीसरा हमारे जो स्टूडेंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश की यूनिवर्सिटीज से वर्ल्ड क्लास बनने की आह्वान कर चुके हैं। ऐसे में सोनीपत स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी एक तरह से उच्च शिक्षा में प्रधानमंत्री का सपना भी साकार कर रही है। यही वजह है कि जेजीयू के कामकाज की तारीफ हरियाणा से लेकर केंद्र सरकार के मंत्री करते रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन मनमीत सिंह के साथ मनीष शुक्ला की रिपोर्ट।